देखिए मम्मी के कमर में फाइनली फिटिंग हो गया, अच्छा लग रहा है। तो मासी हमारे इंतजार करने वाले थे, इन लोग पहले हमारे से पहुंच चुके। मिस नहीं किया क्या? हेलो हेलो, चल ले क्या, मेरा पापा घर जाएगा ले क्या। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, कमलेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं बाहर और आपको बता देते हैं अभी तीजा का सीजन है, तो अभी हम मम्मी को हमारे मामा जी लेने नहीं आए, तो हम अपने मम्मी को छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, अपने मोम को छोड़ने जा रहे हैं अपने मामा के घर, और अपने बनका से जाना है खरियार रोड से अपने को खट्टी जाना है। तो आज का ब्लॉग आपको चलो दिखाते हैं क्या मार्केट में कैसा भीड़ है तीजा में, और गणेश का दिन भी आ रहा है गणेश बैठाने का, कम से कम 31 को गणेश बैठने वाला है। ये मम्मी है और ये इनको छोड़ने जा रहे हैं अपने को तीजा। ठीक है, क्योंकि मामा लेने नहीं आया ना, तो अपने को छोड़ने जाना है, तो अपन घर से निकलते हैं यहाँ से। तो चलो ब्लॉक पे बने रहिए। मम्मी तैयार हो चुकी और हम लोग स्कूटी पे जा रहे हैं, और स्कूटी को देना है फिलहाल, जैसे कि हम लोग देते हैं जैसे हमारे भांजा को देंगे और हम बाइक लेके निकलेंगे। तो हम यहाँ से स्कूटी निकालते हैं बाहर, मम्मी का बैग ले लेते हैं सामने में रख देते हैं। काफ़ी हो जाने, क्या क्या लेके जा रहे हैं? इसमें गेहूँ भी लेके जा रहे हैं मम्मी, इसीलिए काफ़ी वेट है। तो चलो देखते हैं मार्केट में कैसा भीड़ है तीजा का। अपने को एक शॉपिंग भी करना है, एक सामान लेना है, बाइक भी रिटर्न करना है अपने को। इस वीडियो पे बने रहिए, चलो हम निकलते हैं यहाँ से घर से। चलो घर से हम लोग निकल गए और अपने को मार्केट में कुछ काम है मम्मी को, तो देखते हैं क्या लेने वाले हैं मार्केट में। अभी गाड़ी भी चेंज करने अपने को बाइक, और हम लोग घर से निकल गए यहाँ से, तालाब के पास आ गए। मार्केट देखिए काफ़ी भीड़ नज़र आ रहा है तीजापुरा के नाम से, और देखते हैं अंदर में और क्या होता है, क्योंकि मार्केट जो है अंदर में है, ये तो बाहर एरिया है हमारा। सबसे भीड़ होता है कपड़े के शॉप में, और क्योंकि कपड़े ज़्यादा लेने आते हैं तीजा में, तो देखते हैं मार्केट में और अंदर जाने के बाद भीड़ कैसा मिलता है अपने को। तो आपको बताते हैं सबसे ज़्यादा भीड़ होने वाले है जीजी क्लॉथ के पास, और आपको मार्केटिंग में आपको कपड़े का शॉप जो है सबसे ज़्यादा सेल होता है, और यहीं पर आपको अपने को काम है खुशबू ज्वेलर्स में, अपने को जाना है सोना कुछ ख़रीदना है मम्मी को, तो चलो देखते हैं क्या लेना है। और यहीं पर अपना बाइक भी है हमारा, और यहीं लेना है कुछ सामान मम्मी को। मम्मी क्या ले गया है, ये करधन लिए हैं, देखते हैं मम्मी के ऊपर जस्ता कि नहीं। ये मम्मी के कमर में फाइनली फिटिंग हो गया, अच्छा लग रहा है ये भी। कैसे लगा था? बढ़िया, हल्का सा टाइट फिटिंग है वो कपड़े के नाम से। शॉपिंग कर ली यहाँ पर, और हम लोग का बाइक चेंज करना है। हम लोग हेलमेट भी पहन लिए और हम लोग निकलते हैं, काफ़ी भीड़ आपको दिखा दी है गाड़ी पे, तो चलो हम निकलते हैं यहाँ पर। घूमे जा थन कहाँ जात है, कहाँ जाते हुआ ना काय कर ले यार बने बनेगा। तो चलो गाइस हम लोग निकलते हैं यहाँ से, इसमें काफ़ी भीड़ है आप देखिए तीजापुरा के नाम से, और काफ़ी लेडीज लोग खाली खरीदी करने आए हैं, और हम लोग काफ़ी लेट हो गए आप लोगों को निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अपने लड़के लोग को बाइक देना था, अपने स्कूटी और अपने को बाइक लेना था, तो इसीलिए और काफ़ी लेट हो गया। और जिस दुकान में अपन लेने गए थे खरीदी करने जो करधन जो, वहाँ से हम लोग क्या करें वहीं पर हम लोग इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है, तो चलो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी भीड़ लग रहा है यहाँ पर, और कुछ ही बहुत देर हो गया यहाँ पर गाड़ी बंद था देखिए, और पूरा ये यहाँ पर तो अंडर ग्राउंड बनना था, नहीं तो ओवर ब्रिज बनाना चाहिए था यहाँ। काफ़ी लेट होता है यहाँ पर गाड़ी रुकने के बाद। और गाइस अभी आने वाला हमारा जोग नदी, आपको बता देते हैं अभी जोग नदी पड़ेगा, जोग नदी के बाद अपना छत्तीसगढ़ बॉर्डर आएगा, तो चलो वीडियो में बने रहिए। हाँ आप देख सकते हो ये हमारा जोग नदी है, और काफ़ी पानी आ रहा है अभी, अभी तो बारिश कम हुआ है तो इसीलिए कम पानी आ रहा है, नहीं तो बहुत आता था यहाँ पानी आता है, पतोरा का डैम का पानी आता है अपना जोग नदी में, तो
तो चलो हम लोग सामने तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि अपना फोन जो है एडमिट पे लगा हुआ है, तो अपने को सामने तरफ भी देख रहे हैं। काफी जल्दी है सबको, देख रहे हो गाड़ी जो चल रहा है यहाँ पर, सबको जल्दी है। अभी ट्रैफिक था तो वहाँ पर जो हमारा गेट बंद था, इसीलिए इतना भीड़ था। ये आगे हम लोग छत्तीसगढ़ बॉर्डर पार, देखिए हम लोग पहुँच गए छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर होता है चेकिंग, पुलिस वाले लोग चेक करते हैं, और ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ का बॉर्डर का बोर्ड है। चलो देखते हैं, बाघ बहरा इधर पड़ेगा अपने को, और महासमुंद अपने को जाना नहीं पड़ेगा, बाघ बहरा ही के बाद हम। गाइस हम लोग आ गए हैं बाघ बहरा, और आप देख सकते हो बोर्ड पे महासमुंद के पास अपने को जाना है, 35 किलोमीटर और बचा हुआ है। देखते हैं मार्केट में कैसा माहौल है बाघ बहरा का, कुछ ही दूर में मार्केट आने वाला है। गाइस फाइनली हम लोग बाघ बहरा के अंदर मार्केट में एंट्री कर ली, और ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो देखिए शॉप लोग काफ़ी भीड़ रहता है, कपड़ा दुकान सबसे ज़्यादा रहता है, कपड़े दुकान भी पूरा खाली खाली नज़र आ रहा है अपने को। बस यही पर मार्केट लगा हुआ है, देख अंकल ये है बाघ बहरा है, ले 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 बेटा। तो मम्मी को केला लेना है, तो कितना, एक दर्जन लेना है हमको। चलो ले लो पहले में, देखो एक दर्जन ले रहे हैं केला, उसके बाद केला लेके निकलते हैं हम लोग। और अपने को कम से कम जाना, आपको देखा है 35 किलोमीटर दूर था। ये चौक है बाघ बहरा का बीच चौक, और इधर से अपना दूसरा ट्रैक रास्ता जाता है झलप की ओर, और ये जाता है मेन रोड रायपुर की ओर महासमुंद। और फाइनली हम लोग आ चुके, और देखिए यहाँ पर अपने को जाना है लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है, यहाँ से अपने को पड़ेगा अपने मामा के गांव जो कोना खट्टी बोलो ना, तो 102 किलोमीटर पड़ेगा। और यहाँ से शॉर्टकट है, अपने को महासमुंद जाना नहीं पड़ेगा, बस से जाना है तो बस से अपने को महासमुंद जाना पड़ेगा, और बाइक से जाना है ना तो यहाँ पर अपने को नहीं जाना पड़ेगा, अपने को महासमुंद। तो चलो लेके चलते हैं हमारे मामा के घर। गाइस फाइनली हम लोग कोना खट्टी पहुँच चुके, और ये देखिए यहाँ पर अपने को एक नदी पार करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी मेहनत करने के बाद खट्टी पहुंच चुके, देखो जाना है गली अंदर। काफी भीड़ लगा है, ऐसा लग रहा है। कौन ला देखा था ना,
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके मामा के, पहुंच गए। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन है मामा। देखो मासी हमारे इंतजार करने वाले थे, इन लोग पहले हमारे से पहुंच चुके। मौसा जो है छोड़ के चले गए। और देखिए बच्चे लोग क्या बना रहे तुम लोग है? कितने समय से पहुंचे घर? क्या फिर क्या बोलते हैं बता दे है? इन लोग हमारे सुबह निकले हैं और सारावंग से आए ना, और हम लोग आए खरियारगढ़ से। इन लोग पहले आ गए, मौसा जी छोड़ के चले गए इन लोग। अरे एक जन और कहाँ है? गाइस मम्मी को तो छोड़ दिए मामा के घर, और मासी आए हैं। बड़े मम्मी नहीं आए, दो मासी है, एक मासी आए हैं और घर पे, और बड़े मम्मी लोग आए नहीं, तो कल आएंगे बोल रहे हैं उन लोग। तो सोचे हम लोग वहाँ पर छोड़ दिए हम लोग, और हम लोग बाहर ही के लोग वहाँ पर वीडियो बनाने नहीं दिए बच्चे लोग, तो मैं बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है, तो गाइस आपको बता देते हैं, यहाँ पर मम्मी को छोड़ दिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और हमारे वाइफ आई यहीं पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से अपना 10 किलोमीटर दूर है उनका मायके। तो हम लोग सोच रहे हैं, मेरे हर्षित छोटा सा बेबी का मिस ज़्यादा कर रहा हूँ, तो जाता हूँ मैं घूमने के लिए उधर, और इधर ही से मैं निकल के खरियार और रिटर्न जाऊँगा, क्योंकि हमारे लड़के लोग को गाड़ी चाहिए और गाड़ी को मैं लेके आ जाता हूँ, उन लोग को बाइक चाहिए रहता है घर रिटर्न जाने के लिए। तो दोस्तों अभी चलते हैं, हर्षित लोग क्या करते हैं देखते हैं। हम लोग जाने वाले हैं रामखेड़ा, रामखेड़ा हम देखते हैं हर्षित, हमारे जो हर्षित जो छोटा सा बेबी है हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, देखते हैं आज कैसा है। और उनको बताते नहीं है, हम लोग जाएंगे चुपचाप, किसी को बताएंगे नहीं फ़ोन करके, और उनको सरप्राइज़ देंगे। तो चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, जो हमारे मामा के घर से निकलेंगे और डायरेक्ट हम मिलेंगे रामखेड़ा में। तो चलो यहाँ से निकलते हैं अभी। तो चलो गाइस हम लोग निकलते हैं यहाँ से, और हम लोग को फिर रिटर्न जा रहे हैं, जिस रास्ते पर आए थे उसी रास्ते पर अपने को जाना है। और बीच में हमारा टर्निंग है, और आपको पता ही होगा वहाँ पर, जहाँ पर हम लोग आपको बताएंगे, खल्लारी के पास अपने को जाना है रास्ते में। चलो आपको लेके चलते हैं। और गाइस बता देता हूँ आपको, काफ़ी मौसम ख़राब हो रहा है, आप देख सकते हो मौसम ख़राब हो रहा है, हम लोग उससे पहले अपने को पहुँचना पड़ेगा। तो चलो हम निकलते हैं यहाँ से, पचेड़ा आ चुके हैं। बारिश हो रहा है और हम लोग रिंग कोट ले आए थे, तो पहन ले रहे हैं हम लोग। तो गाइस देखिए वहाँ बीच में काफ़ी बारिश हो रहा था, हम लोग रिंग कोट पहने थे, और अभी हम लोग रिंग कोट निकाल के हम लोग बैग डिक्की पे डाल दिए। और देखते हैं हमारा जो हर्षित है पापा का मिस कर रहे नहीं, हम जाते हैं वहाँ रामखेड़ा और देखते हैं इन लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ से हमारा 1 किलोमीटर दूर है, चलो हम लोग निकलते हैं अपना, कुछ ही दूर पे अपने को रामखेड़ा मिलेगा, 1/2 किलोमीटर दूर है। हाय हर्षित, पापा को नहीं ढूंढ रहा था हैं? अकेला खेल रहा है, पापा को मिस नहीं किया क्या? हेलो हेलो, मैं हमाल छोड़े बजा रहा हूँ। हर्षित खूब खेल रहा है, देख रहे? हेलो हेलो, इधर इधर, मम्मी कहाँ है? मम्मी देख लो क्या तैयारी चल रहे हैं, क्या का तैयारी चल रहा है, इन लोग तीजा है, मस्त मजा कर रहे हैं, हम लोग को छोड़ के आए, देख रहे? हाय बोल दे, हेलो, देख रहे कितना एक्साइटेड है पापा के मिलने के बाद। लेके जाना है तेरे को, हाँ जाएगा ना घर, जाएगा पापा के साथ, जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा, हाँ पापा के साथ जाएगा कि नहीं? वो ज़्यादा ही भूख लग रहा था तो मैगी बना के लेके आया, और बच्चे देख रहे हो कैसा खाने के लिए, और ये हमारे वाइफ है लेके आए भी बना, तो लेके मेरा पापा घर जाएगा लेके, हाँ ले गया जूता, ले गया, देख रहे हो हमारा हर्षित, मैं बोला उसको जूता लाना, तो देखिए जूता कहाँ से लेके आया, घर जाना है ना अभी, हाँ रख दे यहीं पर, रख दे। फाइनली हम लोग को भूख लग रहा था, मैगी बना दिए, और ये खाए नहीं मैगी, ये भी खाया मैगी, देख हर्षित खूब सारा मैगी खाया ना, हर्षित हर्षित भी मैगी खाया, देख रहे मैगी खाया नहीं, बता दे तो मैगी खाया ना, दे
देखो खाया है इसलिए दांत चबा रहा है, बहुत सारा खाया मैगी हो, अभी प्लेट पड़ा हुआ है। कितना तीखा बना मैगी तो यहाँ पर खा ली। हम लोग निकलते हैं, काफ़ी लेट हो जाएगा, नहीं तो 4 बज चुका और अपने को घर जाना 1 घंटे के पहले। ठीक है, तो क्यों लड़के लोग हमारे बाइक लेने वाले हैं ना, तो इसीलिए हम लोग को जल्दी जाना है। यहाँ से हम लोग निकलते हैं गाड़ी में, तो पहले से आके बैठ गया, इसके मम्मी लेके आई। घूमने जाना गाड़ी में है, गाड़ी में घूमने जाना, चला भी जाना है, चल बाय हाँ टाटा। हेलो ठेका चल जाता जा। निकलते हैं, बच्चे को तो हम लोग बाइक पे एक राउंड घुमा के लाया, काफ़ी रो रहा था, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी लेट हो जाएगा नहीं तो जाने में। तो देखिए यहाँ से हम लोग घर से निकल गए रामखेड़ा से, और अपने को जाना है खरियार रोड। अब हमारा बेटा जो है काफ़ी रो रहा था, देखिए अभी आने के समय, क्योंकि इसीलिए मैं गाड़ी पे कम घुमाता हूँ, उसको एक बार घुमाने के लिए लेके गया, उसके बाद वो रोना चालू कर दिया, तो मैं उसको छोड़ दिया वहाँ पर, उसके मम्मी पकड़ी, उसके बाद मैं तुरंत बाइक निकाला, उसके बाद आया। तो गाइज हमारे जो हर्षित है काफ़ी एक्साइटेड था उसके पापा को मिलने के बाद, और वो मेरे को छोड़ नहीं रहा था। मैगी काफ़ी मैगी बहुत सारा बना के रखे थे, तीखा था, उसको भी खाया। और गाइज वीडियो कैसा था, हम दोनों जगह आ गए, हमारे मम्मी को भी छोड़ दिए, हर्षित से भी मिल लिए, और हम रिटर्न जा रहे हैं घर। गाइज वीडियो कैसा था, ब्लॉग हमारा आज का, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारा जो है ब्लॉग का वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, थैंक यू बाय।